सोचता था तुम इससे अच्छा मल्लयुद्ध कर सकते हो श्रीधाम। मुझे पता नहीं था मुझे एक बैल से लड़ना पड़ेगा। बैल तो पूजनीय पशु है श्रीधाम, क्या तुम मधु की भी पूजा करोगे? मेरे देवता विष्णु है, उनसे प्रार्थना करके मैं इस बैल को हरा दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई मित्र। ये बिल्कुल गलत बात है कृष्णा। तुमने ये दधी लोभ को क्यों दे दिया? मैंने नहीं, विष्णु ने दिया। कुसुम वन में इस वर्ष ढेर सारे पुष्प खिले हैं। हमारी टोकरियाँ पुष्प मालाओं से भर जाएंगी। हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? बचाओ! कृष्णा हमें जैसे देख रहा है, मुझे तो डर लगता है। उसके मन में कुछ तो है। मैं सच कह रही हूँ। कृष्ण हमारा क्या करेगा? वो तो गायों का दूध निकाल रहा है, और उससे डर कर मैं दूसरे रास्ते से नहीं जाने वाली। तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मी? तुमने राधा पर दूध क्यों छिड़क दिया? इसने सोचा तुम्हें ताजा दूध पसंद है। तुमने तो आज के लिए काफी दूध निकाल लिया है कृष्णा। हाँ मैया, अब मैं गायों को चराने ले जाता हूँ। बंद करो ये हल्ला गुल्ला, मेरे सर में पीड़ा होने लगी है। तालवन से मेरे लिए अब तक सोमरस पहुंचा या नहीं? आ गया महाराज। बड़ी ही देर लगा दी, मुझे थोड़ा सोमरस पिलाओ। और बताओ क्या समाचार है धेनुकासुर के? क्या उसने मेरे काल का वध कर दिया? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर धेनुकासुर मारा गया। क्या? मारा गया? जी महाराज, ठीक तरह से पता नहीं, किंतु समाचार है कि उसका संहार आपके कालदूत के ही हाथों हुआ है। आकाशवाणी सत्य थी, यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरा काल बन जाएगा। बाकी सोमरस गाड़ी से उतरवाओ, हमें और सोमरस चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु इतना ही सोमरस मिला। धेनुकासुर के हत्यारे ने तालवन के बाकी सारे फल वृंदावन वासियों में बांट दिए। कोई तो होगा जो उस बालक को मार सके इससे पहले कि वो मेरा काल बने। मेरे पास एक उपाय है महाराज। रिस्तासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य है, जो अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हाँ, वो सच में बड़ा शक्तिशाली है। यदि मेरे काल का कोई काल बन सकता है तो वो है अरिष्टासुर। उसे तुरंत बुलाया जाए, शीघ्र। ये सारी पुष्पमालाएं इस वर्ष की सूर्य पूजा को और भी अधिक सुंदर बना देंगी, और मैं इस बार सूर्य पूजा के लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहन कर आऊंगी। अब तुम दोनों बातें बनाना बंद करो, नहीं तो हमारा कार्य ही पूरा नहीं होगा। राधा, ये क्या कर रही हो? सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुन रही हूँ। सूर्य पूजा के लिए पुष्प, वो भी मेरी अनुमति के बिना? हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। देखा तुम लोगों ने, ये लड़कियाँ मेरे पुष्प चुरा रही हैं। तुम इस वन के मालिक कब से हो गए? तुमने कभी कोई बीज नहीं रोपा, कभी किसी वृक्ष को पानी नहीं दिया। तुम कुसुम वन की शोभा बिगाड़ रहे हो, गायों और अपने बिगड़े साथियों के साथ। तुम होती कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? सज्जन और सदाचारी कृष्ण, जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी जो कृष्णा को मारने आई थी, और बचपन में सबके घरों से माखन चुरा कर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ
तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। बस लो निर्लज्जों। और कुछ दिन पूर्व ही कृष्ण ने एक बछड़े को भी मारा था, किंतु वत्ससुर एक राक्षस था। तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। कृष्णा माखन चोर। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गायों को किसी और स्थान पर ले जाए। वृंदावन, तो यहाँ छिपा बैठा है कंस का काल। अब नहीं बचेगा ये बालक। ये तो बड़ा डरपोक बालक था, ये वो नहीं हो सकता। अरे कोमल, तुमने मेरे लाल को कहीं देखा? हर शाम मैं व्याकुल होकर उसके वापस आने की राह देखती हूँ। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझती हूँ, मैं भी उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती हूँ। उसके नए नए कारनामे सुनकर बड़ा आनंद आता है। नए नए कारनामे? हो न हो, ये वही है, रुक कर प्रतीक्षा करता हूँ। ललिता, विशाखा, देखो यहाँ के पुष्प कितने सुंदर हैं, परंतु वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। ये कैसी आवाज है? किसी गाय के गले की घंटी होगी। सो जाओ भाई। ये घंटी की आवाज नहीं लगती। ये क्या कर रही है? क्या करने का विचार है तुम्हारा? राधा से अपने अपमान का बदला। हमें और पुष्प चाहिए राधा। चिंता न करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये डाल तो झुक गई। लगता है ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। फिर आ गई। हमें अपने पुष्पों का ध्यान रखना होगा मित्रों। हाथ छोड़ दो राधा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। इनमें से कोई नहीं, परंतु यदि कंस का काल इतना पराक्रमी है जितना कि मैंने सुना है, तो अपने गांव को विपत्ति में देख दौड़ा चला आएगा। कृष्णा,
यदि तुम नहीं गए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित होंगी। मैं अपने पुष्पों की रक्षा करूंगा चाहे पूरी रात खड़े रहना पड़े। ओह, तुम इतने हठी क्यों हो कृष्ण? हमें ये पुष्प मालाएं सूर्य पूजा के लिए चाहिए। ये सोचना मेरा काम नहीं, अब ये पुष्प केवल भगवान विष्णु के लिए है। ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा कि कोई राक्षस है। आओ कृष्णा, बचा लो अपना प्रिय वृंदावन। रुक जाओ कृष्ण, ये कोई षड्यंत्र है। हो भी सकता है, पर मैं वृंदावन वासियों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। साधारण सी गाय है, कहो तो वन में इसे भी घास चराने ले जाओ। मजाक बहुत हो गया बालक। तुम कोई राक्षस नहीं हो, एक नीच और अधर्मी पशु हो। तुमने वृंदावन वासियों को क्यों भयभीत किया हुआ है? यदि मुझसे लड़ना चाहते हो तो एक राक्षस की तरह लड़ो, किसी कीड़े की तरह नहीं। विश्राम हो जाए। अब मुझे उम्र टूट रही है। वाह मेरे भाई, आज तो तुमने अपने कारनामों में एक और नया कारनामा जोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है अपने पापों की सूची में एक और पाप? तो अब हमारे सदाचारी कृष्ण ने एक सांड को भी मार डाला है।
वो कोई साधारण सांड नहीं था बल्कि एक राक्षस था, वो भी सांड के वेश में। ओ कृष्ण, चाहे जो हो वो था तो गौ जाति का ही ना, अब तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, मैं कल यमुना में स्नान कर पाप धो लूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। ललिता सही कहती है, ये घोर पाप है और इसे धोने के लिए तुम्हें संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है, पूरा संसार घूमने से अच्छा है मैं सभी पवित्र नदियों को यहाँ लाकर उनमें स्नान कर लूँ। ओह कृष्ण, सपने देखना छोड़ो। सपने देखती जाओ। पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री, मैं हूं कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशीर्वाद से नदी का स्वरूप धारण किया है। मैं गोदावरी हूं, मेरा जल आप ही की तरह मधुर है श्री कृष्णा। मैं हूँ सरस्वती, मेरा नाम सदा वेदों, संतों और भगवान विष्णु के साथ लिया जाता है। मैं नर्मदा हूँ, मेरा जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है। और मैं हूँ आपकी प्रिय यमुना, सूर्य देव की पुत्री, यम की बहन। आपके स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी, कृपया मेरे जल में प्रवेश करें। ये मेरा सौभाग्य होगा। इस सरोवर का नाम होगा श्याम कुंड। इसका जल पवित्र और शीतल है और श्याम कुंड में स्नान कर मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। पर तुम तीनों पाप के भागी बन गई हो, राक्षस अरिस्तसुर का पक्ष लेकर। आओ श्याम कुंड में स्नान करके अपने पाप धो लो। नहीं, तुम्हारे पाप धोकर अब ये जल अशुद्ध हो गया है, हम अपना सरोवर स्वयं बनाएंगी। हाँ, यहीं पर जहाँ अरिस्तसुर ने अपने पैरों से गड्ढा बना दिया। बड़ा सुंदर गड्ढा खोदा है तुमने राधा, पर इसमें जल तो दिख नहीं रहा। जल भी आएगा। यदि वर्षा की प्रतीक्षा कर रही हो तो फिर भूल ही जाओ, मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा। तो तुम तीनों ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें मेरा अशुद्ध जल नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम मानसी गंगा से अपना शुद्ध जल लाएंगी। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए बलराम। तुम्हारी सहायता के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगी भाई। ये संभव है? ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा। ओ राधा, तुम तो थक गई और निराश हो गई हो, हमें सेवा का अवसर प्रदान करो, हम तुम्हारा ये सरोवर अपने पवित्र जल से भर देंगे। जी, धन्यवाद।
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा सरोवर राधा कुंड तो मेरे सरोवर से भी कहीं अधिक सुंदर है। ये सरोवर सदा मेरा प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान करूँगा। तुम्हारा सरोवर भी बड़ा सुंदर है कृष्णा। मैं प्रतिदिन यहाँ अपनी सखियों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा किया करूँगी।